इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक नौजवान शराबी रहता था। वो रात को शराब पी लेता और शोर मचाता और कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लोगों ने मेरी कदर नहीं की, नशे में हूँ कहता। एक रात पुलिस अफसर गुजर रहा था तो उसने शोर सुना तो उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दी कि भाई इतने बड़े आलिम के पास ये शोर मचा रहा। 3-4 दिन गुजर गए उसका शोर सुनाई नहीं दिया तो इमाम साहब कहने लगे वो हमारा पड़ोसी कहाँ गया। कहा जो तो पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों ले गई? कब वो शराब के नशे में शोर मचा रहा था तो उन्होंने आपकी वजह से उसको पकड़ के डाल दिया। सुबह का इंतज़ार नहीं किया, उसी वक्त उठे और उस पुलिस अफसर के घर पहुंच गए। भाई वो मेरे पड़ोसी को छोड़ दो। कहा जी मैंने तो आपकी वजह से पकड़ा है, आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इल्मी काम करते हैं, आपको मैं खलल डालता है। कहा नहीं भाई तू मेरी वजह से पकड़ा है तो मेरी वजह से छोड़ दे। अभी मैं छोड़ देता हूँ। उसको जेल से निकाल कर लाए, कहने लगे क्यों भाई तुम कहा करते हो ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ पर लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की, तो मैंने तेरी कदर की है कि नहीं की? कहा हज़रत मेरी भी आज के बाद शराब से तौबा, मैं भी आइंदा कभी शराब नहीं पीऊँगा। तो भाई अब सारी ज़िंदगी को 3 चीज़ों से खूबसूरत बना लो, सच्चाई, दयानत, इंसाफ। तो अल्लाह ताला दुनिया भी बना देगा और अल्लाह ताला आखिरत भी बना देगा।